ज्यादा अगर कुछ टफ लगता है मेकअप में तो वो है आई मेकअप। लोगों को लगता है अरे आई मेकअप नहीं होगा, बाकी आप मुझसे चाहे जो कुछ करवा ले रहे। तो उसी टफ चीज को मैं सबसे इजीएस्ट चीज में बदलने के लिए इतना छोटा सा मिनी ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो आपके आई मेकअप को बेस्ट एंड बेस्ट कर देगा। ज्यादा बातें ना करते हैं, चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। मेरे पास सबसे पहले है 3 ब्रश, एक लॉन्ग फ्लफी ब्रश है, एक फ्लफी ब्रश और है जो मीडियम साइज का है, और एक है स्मच करने के लिए जो लाइनर या काजल को स्मच करने के लिए ब्रश होता है वो ब्रश। इतना खूबसूरत सा मैं आई मेकअप आज आपको बताने जा रही हूँ, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, कि आप इस मेकअप के फैन होने वाले। ये मेकअप सिर्फ पार्टी मेकअप नहीं है, इसको आप ब्राइडल पे भी दे सकते हैं, पार्टी मेकअप के लिए भी कर सकते हैं और खुद पे भी कर सकते हैं, सब पे बहुत बेस्ट लगेगा। तो हमारे पास होनी चाहिए उसके लिए एक ऐसी पैलेट इस तरह की, जिसमें सारे कलर्स हो, ग्लिटर्स हो। अगर आपके पास अलग अलग पैलेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक ऐसी पैलेट है जिससे मैं एक पूरा आई मेकअप कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है एक मीडियम साइज के फ्लफी ब्रश से। मैंने एक बेस लिया है जो आपकी स्किन कलर का होना चाहिए। इस बेस को लेकर के यहाँ से देखिए, सेंटर से आपको स्टार्ट करना है, राउंड राउंड करना, 8 बनाने हैं बेसिकली, और इसको आप मर्ज कर देंगे। इसको आप बहुत ऊपर तक मत लेके जाइएगा क्योंकि ये हुडेड आईज है, अगर इस पे बहुत ऊपर तक मेकअप जाएगा तो मेकअप कवर अप नहीं होगा, और कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड करने के बाद आप एक हल्का सा लाइट पिंक कलर लीजिए और जितना भी आप लेंगे एक्सेस प्रोडक्ट आपको निकाल देना है। ये देखिए, जैसे मैंने ऐसे प्रोडक्ट उठाया और एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल दिया। इससे क्या होगा, जो बहुत ज्यादा ब्रश में प्रोडक्ट आ जाता है, पाउडर आ जाता है या क्रीम आ जाती है, वो आपकी आईज को हार्श नहीं करेगी और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और स्मूथ हो जाएगी। मैंने ये बिना बेस के मेकअप स्टार्ट किया है ताकि ये इंस्टेंट मेकअप आपको बहुत इजीली समझ में आए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी कलर जो आपका फेवरेट कलर हो, जैसे आपने अगर एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है तो आपको ये ब्लू कलर चूज करना, अगर आपने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी तो आप ग्रीन कलर चूज कर सकते हैं, ब्राउन कलर चूज कर सकते हैं या ब्लैक कलर चूज कर सकते हैं, टोटली योर कॉल। मैंने यूज किया है ये ब्राउन कलर, इसको मैंने लिया इसी ब्रश से लिया है मैंने, और साइड के कॉर्नर पे आप स्टार्ट कर दो इसको करना। यहाँ पे ब्रश रखना है और ब्रश को अंदर की तरफ करना है, ऐसे ऐसे नहीं करिएगा कि मतलब थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा कलर लेना है, ब्रश को अंदर की तरफ देखिए, और एक बहुत खूबसूरत सा स्मोकी मेकअप जो सबसे टफ मेकअप माना जाता है वो रेडी हो जाएगा। इसमें मैं लाइनर लगाने के लिए बहुत खूबसूरत तरीका यूज करने वाली हूँ। बहुत लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको लाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तब आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए एक ऐसा ब्रश दिखे, और इस ब्रश से आप कोई भी बहुत खूबसूरत सा कलर पिक कर लीजिए। मैंने पिक किया है थोड़ा सा ब्लू कलर, रॉयल ब्लू, और पूरा डस्ट ऑफ कर दिया, और एक खूबसूरत सी आपको यहाँ पे लाइन बनानी, जैसे लाइनर लगाते हैं आप, सेम आपको वही करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा मेकअप इंस्टेंट रेडी हो गया है। लोग बेकार ही कहते हैं कि मुझे आई मेकअप बहुत टफ लगता है, और फिर आपको जो काम करना है वो ये है कि आपके पास ये बड़ा वाला ब्रश होना चाहिए, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उससे आप ले लीजिए एक न्यूड कलर, न्यूड कलर मतलब कि स्किन की टोन का कलर आपको लेना है, और फिर उसके बाद पूरा कलर अपने हाथ में निकाल दीजिए। देखिए जैसे मैंने निकाल दिया, और इसी से आप पूरी आईज को मर्ज कर दीजिए ताकि कोई भी हार्श लाइन आपको पता ना चलने पाए और आई का कोई भी पार्ट छूटा हुआ ना दिखे। फिर आप थोड़ा सा कलर ले लीजिए, देखिए कलर थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा ताकि इससे ये होगा आपका जो इस आईज है उसमें बहुत ज्यादा कलर रिफिल नहीं होगा कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो। और हमेशा यहाँ से स्टार्ट करिएगा कि अगर एक्स्ट्रा कलर है भी तो वो यहाँ पे आ जाए और फिर ऊपर की तरफ जाइएगा, और इतना करने के बाद आपको फिर से वही ब्रश लेना है जो मैंने मर्ज करने के लिए, स्मच करने के लिए लिया था, सेम मैंने कलर उठाया और एक बारी फिर से वो लाइन क्रिएट कर दी। एक बहुत खूबसूरत सा लुक निखर के आ गया। अब मेरे पास है ग्लिटर, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी ग्लिटर ले सकते हैं। मैंने लिया है कॉपर कलर और मैं ये फिंगर से यूज करूंगी।
आप देख रहे होंगे कितनी ब्यूटीफुल सा, कितना खूबसूरत सा आई मेकअप जो कि सिर्फ 2 मिनट में हो गया है बिना किसी तामझाम के। ये आई मेकअप आप बहुत इजीली कोई भी कर सकता है, कोई बिगिनर है वो भी यूज कर सकता है। किसी को मेकअप का ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है ना, मैं श्योर हूँ कि वो भी ये मेकअप बहुत इजीली कर सकता है। लेकिन अगर आपकी आई पिगमेंटेड है या कोई तरह का उसमें ब्लैकनेस है तो आप कोशिश करिए कि आप उस पर बेस लगा के, मैं बहुत जल्दी ही आपको बताऊंगी। तो अगर आपकी आईज पिगमेंटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आईज में, तो आप ये मेकअप इंस्टेंट कर सकते हैं। ये ब्राइड पे भी जाएगा, पार्टी में भी जाएगा, आप हर जगह ये मेकअप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।